बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑर्चिड एजुकेशन सिस्टम्स ऑनलाइन क्लास। टुडे द डे इज ट्यूसडे एंड द डेट इज 22 दिसंबर 2020 एंड आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड आई एम योर सब्जेक्ट टीचर मिस मारिया। The lecture number is 5 and our book name is Oxford Modern English and the page number is 66 and 67 and our topic is glowworms. Students, as you know, we are done with the reading एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पोएम को रीड भी कर लिया था और उसको एक्सप्लेन भी कर लिया था। सो आज हम द ग्लोवॉर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे। ओपन द बुक पेज नंबर 66, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, टॉक अबाउट the following with your teacher and then write the answers. Question number A is, what was the strange sight the poet saw? Question number B, how many glowworms came through the door? Question number C, are we told why the glowworms came? Why do you think they came? Question number D, which words in the poem tell us about the glowworms? Question number E, what did the glowworms do in the house? What did the poet do? So these are all the questions. इनको मैंने read कर लिया है। Now students, open your notebook. Okay. Mentioned the date 22nd December 2020 and mentioned the CW, mentioned the day Tuesday, write the topic name glowworms, underline the topic, draw your margin line, write, answer the following questions. Students, क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिख लिए हैं अपनी नोटबुक पे, आप लोग भी इसी तरह अपनी नोटबुक पे लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द स्ट्रेंज साइट द पोएट सॉ? वो कौन सा अजीब मंजर था जो पोएट ने देखा? द पोएट सॉ लॉट्स ऑफ ग्लो वर्म्स। पोएट ने बहुत सारे चमकदार कीड़े देखे। The poet saw lots of glowworms. Poet ने, शायर ने बहुत से glowworms देखे। Question number 2, how many glowworms came through the door? दरवाजे से अंदर कितने glowworms आए? How many glowworms came through the door? The answer is dozens of glowworms came through the door. दरवाजे से अंदर दर्जनों glowworms दाखिल हुए। Dozens of glowworms came through the door. Question number 3 is, are we told why glowworms came? Why do you think they came? क्या हमें बताया गया है कि glowworms क्यों आए? आपके ख्याल में क्यों आए glowworms? The answer is no. नहीं बताया गया हमें कि glowworms क्यों आए। And why do you think they came? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? I think it was dark there and night. At night. So that's why glowworms came there. Glowworm क्यों आए? क्योंकि वहाँ पर रात थी, ठीक है, रात का टाइम था और अंधेरा था, इसीलिए ग्लोवॉर्म्स आए, ठीक है।
एंड अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट ग्लो वर्म्स। इस पोएम में कौन से वर्ड्स हैं जो हमें ग्लो वर्म्स के बारे में बताते हैं। विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट ग्लो वर्म्स। द आंसर इज स्ट्रेट साइट, स्ट्रेट साइट, ब्राइटर देन स्टार्स, लाइक गोल्ड जार्स और लाइक हेड लैम्प्स ऑन कार्स, लाइक हेड लैम्प्स ऑन कार्स। तो कौन सी चीज़ें हमें ग्लो वर्म्स के बारे में बता रही हैं? स्ट्रेट साइट, ब्राइटर देन स्टार्स, ठीक है, तो अजीब सा मंजर, स्ट्रेंज साइट, और ब्राइटर देन स्टार, स्टार से भी ज़्यादा चमकदार, लाइक गोल्ड जार्स, गोल्ड जार्स की तरह दिखने वाले, ठीक है, गोल्ड जार्स की तरह चमकदार, और लाइक हेड लैम्प्स ऑन द कार्स, जिस तरह से कार की हेडलाइट्स होती हैं वो रोशन होती हैं, चमकदार होती हैं, इसी तरह ग्लो वर्म्स भी थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डिड द ग्लो वर्म डू इन द हाउस। व्हाट डिड द पॉइंट डू, ग्लो वर्म्स घर में क्या कर रहे थे, ग्लो वर्म्स ने घर में क्या किया और पॉइंट ने क्या किया। सो द आंसर इज द ग्लो वर्म्स डांस्ड इन द एयर एंड रेस्ट अप द स्टेयर्स। ग्लो वर्म्स ने डांस किया इन द एयर, हवा में, एंड रेस्ट अप द स्टेयर्स, और सीढ़ियों पे चढ़े, सीढ़ियों से ऊपर नीचे, ठीक है। ग्लो वर्म्स डांस्ड इन द एयर एंड रेस्ट अप द स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स। और जो पोइट है उसके साथ क्या हुआ था, पोइट गिर गया था ना अपनी चेयर पे से, तो क्या होगा, द पोइट फेल ऑफ हिज चेयर। पोइट अपनी चेयर पे से नीचे गिर गया, द पोइट फेल ऑफ हिज चेयर, CHAIR, चेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखने हैं, ठीक है, बिल्कुल नीटली, एंड मार्जिन लाइंस भी ड्रॉ करनी है, और बहुत प्यारा प्यारा काम करना है। आई विल चेक योर नोटबुक्स। ओके, नाउ कम टू द अगेन पेज नंबर 66। हियर वी हैव द सेक्शन बी, वर्किंग विद वर्ड्स। टॉक अबाउट द पिक्चर, लेट्स रीड। The animals marching into the zoo are the elephants and the kangaroo. The lion is there and so is the bear and the tall giraffe, his head in the air. ठीक है, ये हमें जो extensa given है, poem type है ये, इसमें क्या बताया हुआ है, द एनिमल्स मार्चिंग इन टू द ज़ू, एनिमल जो हैं वो ज़ू की तरफ जा रहे हैं, ज़ू की तरफ मार्च कर रहे हैं, आर द एलिफेंट्स एंड द कैंगरू, कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनमें एलिफेंट है और कैंगरू भी है, द लाइन इज़ देयर एंड सो इज़ द बियर, वहाँ पर लाइन भी है और बियर भी है, ठीक है, एंड द टॉल जिराफ हिज हेड इन द एयर, और लंबा सारा जिराफ भी है जिसका सर जो है वो हवा में है, ठीक है। सो यहाँ पर इस पिक्चर में, इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया गया है। अब हम इसको दोबारा से रीड करते हैं, आप लोग मेरे साथ रीड करें। द एनिमल्स मार्चिंग इन टू द जू आर द एलिफेंट्स एंड द कैंगरू, The lion is there and so is the bear and the tall giraffe, his head in the air. Okay, हमने रीड कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। Look at the picture on page number 66. What are the names of all the animals? Which is first, which is last? Make sentences to answer these questions.
यूज दी वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। अब कह रहे हैं सबसे पहले हमने इस पिक्चर को देखना है जो पेज नंबर 66 पे है। उसके बाद क्या करना है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑल द एनिमल्स, इन एनिमल के नेम्स बताने हैं। चले हम पहले इनके नेम्स बताते हैं। सो सबसे एंड पे जो है, सबसे लास्ट पे इसका नेम क्या है, जिराफ। गुड, इसका नेम है जिराफ। उसके आगे जो है उसका क्या नेम है, लायन। यस, लायन। उससे आगे जो है ये कौन है, एलिफेंट। गुड, इट इज एन एलिफेंट। उसके आगे कैंगरू। यस, उसके आगे ये वाले कैमल। एंड ये कौन है, टाइगर। और ये हॉर्स। एंड ये बियर। और ये डियर। है ना, हमने इन सब के नेम्स लिख लिए, नेम्स बता दिए हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या था, विच इज फर्स्ट विच इज लास्ट। पहला वाला कौन है, फर्स्ट पे कौन है, कौन है क्लास। यस, फर्स्ट पे डियर है। एंड विच इज द लास्ट, लास्ट पे कौन है, यस लास्ट पे जिराफ है। मेक, और उसके बाद ये भी हमने बता दिया। द नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेस टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हमने सेंटेंसेस बनाने हैं इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन है हमने इनको यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। बिहाइंड, अब देखें बिहाइंड, बिहाइंड का हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, जैसे द बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, बिहाइंड का क्या मतलब होता है, पीछे, किसी के पीछे होना। अब हम क्या कहेंगे, द बियर इज बिहाइंड द डियर। ठीक है, इसी तरह द हॉर्स इज बिहाइंड द बियर। इसी तरह द टाइगर इज बिहाइंड द हॉर्स, या द कैमल इज बिहाइंड द टाइगर, या फिर द कैमल, या फिर द कैंगरू इज बिहाइंड द कैमल, या फिर एलिफेंट इज बिहाइंड द कैंगरू, या फिर लायन इज बिहाइंड द एलिफेंट, या फिर जिराफ इज बिहाइंड द लायन। तो बिहाइंड वाले सेंटेंस हमने बना लिए। ठीक है, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ, अब देखें हम कैसे बनाते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने होना। अब ये देखें डियर, द डियर इज इन फ्रंट ऑफ बियर। डियर जो है वो बियर के सामने है। इसी तरह द बियर इज इन फ्रंट ऑफ हॉर्स। गुड, द बियर इज इन फ्रंट ऑफ हॉर्स। इसी तरह द हॉर्स इज इन फ्रंट ऑफ टाइगर। द हॉर्स इज इन फ्रंट ऑफ टाइगर। हॉर्स जो है वो टाइगर के फ्रंट पे है। सो द टाइगर इज इन फ्रंट ऑफ कैमल। द टाइगर इज इन फ्रंट ऑफ कैमल। द कैंगरू इज इन फ्रंट ऑफ एन एलिफेंट। कैंगरू एलिफेंट के सामने है। सो द कैंगरू इज इन फ्रंट ऑफ एलिफेंट। एंड द लायन इज इन फ्रंट ऑफ जिराफ। लायन जो है वो जिराफ के सामने है। एंड द जिराफ इज एट द लास्ट। ठीक है, एट द फ्रंट, इन द फ्रंट ऑफ के भी हमने सेंटेंसेस बना लिए। द नेक्स्ट इज सेकंड। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे कौन है, बियर है। सेकंड नंबर पे कौन है, बियर है। द बियर इज इन द सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड, थर्ड पे कौन है, हॉर्स है। द हॉर्स इज इन थर्ड नंबर। फोर्थ पे कौन है, टाइगर है। सो द टाइगर इज एट फोर्थ प्लेस। ठीक है, द हॉर्स इज एट थर्ड प्लेस, द बियर इज एट सेकंड प्लेस। सो हमने ये सेंटेंसेस बना लिए इन वर्ड्स को यूज करते हुए एंड इस पिक्चर के, पिक्चर को देखते हुए। अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। अब हमने ये वाली ब्लैंक्स फिल करनी है और हमने ये वर्ड्स यूज करने हैं जो इस बॉक्स में हमें गिवन है। सो सबसे पहला वर्ड है चिल्ड्रन, उसके बाद है एनिमल, द नेक्स्ट इज कैंगरू, उसके बाद है द साइड ऑफ, एंड उसके बाद है बिटवीन। सो हमारी फर्स्ट ब्लैंक है, द कैमल इज एन डैश। कैमल क्या है,
चिल्ड्रन है, एनिमल है, कैंगरू है, डिसाइड ऑफ ये बिटवीन. सो द कैमल इज एन एनिमल, द कैमल इज एन एनिमल. तो इस फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? एनिमल. बी, द डैश इज बिहाइंड द कैमल. कैमल के बिहाइंड कौन है? कैमल के पीछे कौन है? कैंगरू है ना. तो क्या आएगा इस ब्लैंक में? द कैंगरू इज बिहाइंड द कैमल. ठीक है. अब सी ब्लैंक देखें, द चिल्ड्रन आर एट डैश ऑफ द रोड. बच्चे रोड के कहाँ पर हैं? ये देखें, साइड पे है ना. तो क्या आएगा? द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड. द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड. ठीक है. अब डी में देखें, द डैश आर वॉचिंग द एनिमल्स. एनिमल्स को कौन देख रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं ना. ये देखें, बच्चे देख रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन आर वॉचिंग The animals. Children are watching the animals. ठीक है. The last blank is the bear is dash the deer and the horse. अब bear जो है वो कहाँ पर है? Deer और horse के mid में है ना, दरमियान में है. तो हम क्या लिखेंगे? The bear is between the deer and the horse. Sorry, यहाँ पर ये between है, आप लोग इसको between लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, ये बिटवीन है. यहाँ पर आप बिटवीन की स्पेलिंग ये वाला बिटवीन लिखेंगे, ये वाला लास्ट ब्लैंक में. ठीक है, ये इट्स नॉट ट्रू. यहाँ पर बिटवीन आएगा BETWEEN बिटवीन. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर लेक्चर टुडे. होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.